हाय गाइस, मैं हूं आपके दोस्त एंड होस्ट कबीर। बिग बॉस 14 नॉमिनेशन टास्क में जमीन पर गिरी कश्मीर साथ जैस्मीन से भिड़े एजाज खान। जनाब जी हां जनाब, बिग बॉस 14 के अपकमिंग एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क होगा। इस टास्क में कश्मीर साह और एजाज खान एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आएंगे। कश्मीर एजाज को टास्क में रोकती हुई नजर आएंगी। इस दौरान कश्मीर जमीन पर भी गिर जाती हैं, वहीं जैस्मीन और एजाज भी एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रूबीना कश्मीर मनु पंजाबी को बोलते हैं कि अनफेयर मत खेलो, सब देख रहे हैं। इसके बाद कश्मीर एजाज को पानी में फेंकने से रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान कश्मीरा जमीन पर भी गिर जाती है। वहीं जैस्मीन भसीन भी एजाज के खिलाफ खड़ी दिख रही हैं। वो बोलती हैं कि इस आदमी में हर चीज़ को मैनिपुलेट करने की पावर है। वहीं एजाज बोलते हैं कि आपके अंदर क्षमता नहीं है। वहीं जैस्मीन बोलती है कि 30 साल की उम्र में आई हूँ। सीना ठाकुर बोलती हूँ कि तुम 45 की उम्र में आए हो, नकली बनकर खेल रहे हो, क्षमता दिखती है। वहीं एजाज बोलते हैं कि मैं आपको बर्दाश्त करता हूँ। जनाब बता दें कि टास्क में मनु पंजाबी संचालक हैं। वहीं खबर है कि एजाज खान, राहुल, अभिनव और अर्सी एक ग्रुप में है। वहीं विकास, जैस्मीन, रूबीना और कश्मीरा एक टीम में है। घर में मनु पंजाबी ने एक कप्तान है। कैप्टनसी टास्क में अर्सी खान और एजाज खान संग उनकी ट्यूनिंग देखने को मिल रही है। तीनों ने मिलकर पूरा गेम खेला था और आखिर में मनु को कैप्टन बनाया था। बाकी घर वाले मनु के कैप्टन बनने से बिल्कुल नाखुश दिख रहे हैं। तो आपकी क्या है राय? जिस तरीके से बिग बॉस में आप लगातार झगड़े होते दिख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और ऐसी लेटेस्ट खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।